सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो गेमर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्नो गेमर्स यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप अपने PUBG मोबाइल गेम का लैग किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो भाई पिछली वीडियो में भी काफ़ी अच्छे जो भाई कमेंट्स आए थे कि बहुत से लोगों का लैग फिक्स हो गया, पर कुछ लोगों का भाई लैग अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। तो ये जो वीडियो भाई बहुत ही ज़्यादा अलग वीडियो है। इस वीडियो में आज हम कोई भी टूल नहीं यूज़ करने वाले हैं। दो स्टेप्स में भाई मैं इस वीडियो को बताऊंगा, सिर्फ दो स्टेप्स आपने करने हैं और आपके गेम का जो भाई लैग जो है भाई फिक्स हो जाएगा 99% भाई मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई 100% कभी कुछ नहीं हो सकता। तो 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ भाई आपके गेम का लैग फिक्स हो जाएगा। तो भाई बहुत से जितने भी लोग आप सभी लोग ट्राई कर देखना है एक बार भी। क्या कहते हैं, 2GB रैम में तो भाई बहुत ही सही चल जाएगा आपका गेम, 2GB रैम, 3GB रैम एंड 4GB रैम में तो फिलहाल ज़्यादा होता भी नहीं है, पर फिर भी सभी लोग जितने भी हैं तीनों ही रैम वाले भाई चेक इसको जरूर अप्लाई करना है, इस ट्रिक को आपके डिवाइस में जो है भाई गेम का जो लैग होता है जरूर फिक्स हो जाएगा एंड्रॉइड डिवाइस में। तो चलो मैं आपको बताता हूँ भाई इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोगों ने दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है, दोनों स्टेप भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका जो है भाई ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपने जाना है भाई गेम की सेटिंग्स में और अपने अकाउंट को करना है लॉग आउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए गाइज यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को कर दिया लॉग आउट और राइट साइड में ऊपर की साइड आपको भाई तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे, हेल्प और लैंग्वेज और रिपेयर। थर्ड वाला ऑप्शन जो है भाई रिपेयर का, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आपका गेम बंद हो जाएगा और आपने गेम को दोबारा से स्टार्ट करना है। और गाइज आप जैसे ही दोबारा से गेम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भाई ये नॉर्मली ही ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही आपका गेम ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3MB का एक यहाँ पर आपको न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। ये देखिए गाइज 3MB का छोटा सा एक अपडेट है, आपने इसे अपडेट कर लेना है और यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक करना है और रीस्टार्ट अभी नहीं करना है गेम को, बस रिपेयर करके 3MB का अपडेट भी करना है और ओके कर देना है। उसके बाद गाइज आपने क्या करना है, आपको भाई दो एप्लीकेशन की भाई जरूरत पड़ने वाली है। पहली एप्लीकेशन जिसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर और जो दूसरी एप्लीकेशन है उसका नाम है भाई जेड आर्काइवर। दोनों ही एप्लीकेशन को आपने भाई प्ले स्टोर से डाउनलोड कर देना है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर। और यहाँ पर आपको एक फाइल की जरूरत पड़ने वाली है, ये देखिए भाई पहले मैं आपको ऐप दिखा दूँ, हाँ ये रही। अब आपको एक फाइल की जरूरत पड़ने वाली है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वेबसाइट में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने जेड आर्काइवर एप्लीकेशन ओपन कर उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना। ये देखिए गाइस ये रही वो फाइल, में तो मैं यहाँ पर इसे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। एक्सट्रैक्ट करते ही आपको यहाँ पर PUBG मोबाइल का एक एक्सट्रैक्ट करते ही फोल्डर मिलेगा। तो यहाँ पर आप फोल्डर देख पा रहे हैं, फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें दिख रही है, दो आप फिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं। पहला जो है भाई वो कलरफुल के लिए है और दूसरा वाला जिसमें एम लिखा हुआ है 0.10M वो भाई मूवी वाले ग्राफिक्स के लिए। तो अगर आप कलरफुल वाले ग्राफिक्स करना चाहते हैं और लैग भी ना हो तो आपने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, वरना आप फिर सेकंड वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मूवी वाले ग्राफिक्स में खेलना चाहते हैं। दोनों में ही लैग फिक्स हो जाएगा और कोई तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है। तो हम भाई आज करेंगे भाई कलरफुल वाले में। तो यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, और अगर आपने ES फाइल एक्सप्लोरर इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ES नोट एडिटर। तो यहाँ पर आपने ES नोट एडिटर पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई दिखेगी और आपने सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप डिवाइस प्रोफाइल, तो उसके ऊपर का जितना भी एरिया है जितने भी टेक्स्ट हैं आपने उन्हें सिलेक्ट करना है। देखिए उसको नहीं, उसके ऊपर का हमने सारा सिलेक्ट टेक्स्ट जो है भाई सिलेक्ट करा। और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड एक ऑप्शन दिखेगा भाई कॉपी का, तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया भैया कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने भाई बैक होना है और वापस से जाना है जेड आर्काइवर में और बैक होना है इस तरीके से। और एक फोल्डर होता है आपका एंड्रॉइड का, आपने उस फोल्डर में जाना है और जाना भैया उसके बाद डाटा के फोल्डर में। जैसे आप डाटा के फोल्डर में जाएंगे आपने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक PUBG मोबाइल का एक फोल्डर मिलेगा। ये देखिए गाइस मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो PUBG मोबाइल का जो फोल्डर होता है उसका मैं नाम बता देता हूँ, डाटा के फोल्डर में है। ओके ये रहा, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, PUBG मोबाइल ये रहा इस, देखिए com.tencent.ig इस फोल्डर में जाना है आपने और UEA4Games में जाना है। उसके बाद शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा में जाना है और एक दोबारा से एक ऑप्शन आएगा शैडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, उसमें दोबारा से जाना है। फिर सेव्ड कॉन्फिग में जाना है, उसके बाद हमने कॉन्फिग में जाने के बाद एंड्रॉइड में जाने के बाद आपको बहुत सारी कॉन्फिग फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं सेकंड लास्ट एक है यूज़र custom.ini, सेकंड लास्ट आप देखिए, ठीक है। इसमें आपने क्लिक करना है ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर दोबारा से ES नोट एडिटर से आपने इसे भाई ओपन करना है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम आपको ये वही चीज़ देखने को मिलेगी, पर इसमें कुछ टैग्स जो अलग है। तो दोबारा से हमें भाई ऊपर का एरिया जो है सिलेक्ट करना है, पूरा ऊपर का हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद भाई हमें यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करते ही आपने यहाँ पर भाई सेव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए गाइस सेव के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया तो गाइस ये सेव हो गया।
इसको करने के बाद गाइस आप जब आप अपनी गेम को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गेम में भाई आप बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बार गेम स्टार्ट कर दूँ, इसको इस सेटिंग्स को भाई जरूर करना है, इसके बाद आपकी भाई गेम में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अगर गाइस आपके डिवाइस में ट्रिक काम करती है तो भाई प्लीज़ जरूर से कमेंट्स कर मेरे को जरूर बताना जिसके में भी यार वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से भाई बहुत से डिवाइस में वर्क करने वाला है क्योंकि मैंने इसे टेस्ट भी करा, वर्क भी कराई। तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।